तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल यानी कि मूवीज भक्त में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से तकरीबन 7 दिनों पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हॉलीवुड की बिगेस्ट एक्शन फ्रेंचाइजी यानी कि मिशन इम्पॉसिबल 7 यानी कि डेड रेकॉर्डिंग फिल्म के शुरुआती 7 दिनों के टोटल इंडियन कलेक्शन के बारे में और बात करेंगे कि इस फिल्म ने जो है अपने शुरुआती 7 दिनों के अंदर जो है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल कितने रुपये की कमाई की है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रेकॉर्डिंग पार्ट 1 जिस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं टॉम क्रूज। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को जो है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर से जो है तकरीबन 4 भाषाओं के अंदर जो है रिलीज किया गया था जिसमें शामिल है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को जो है रिलीज होते ही यहां पर जो है इस फ्रेंचाइजी के जो फैन लवर हैं यानी कि जो कि इस फिल्म के फ्रेंचाइजी के काफी तगड़े वाले फैन हैं उन्होंने तो इस फिल्म को देखा ही देखा है। साथ ही से इस फिल्म को जो है काफी अच्छे खासे रिव्यूज में मिले हैं जिसके चलते जो एक्शन लवर हैं उन्होंने भी जो है इस फिल्म को काफी हद तक जो है पसंद किया है क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के एक्शन की काफी ज्यादा तारीफें की गई हैं। साथ ही साथ इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है काफी यूनिक है। और दोस्तों इसी के चलते दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने जो है बॉक्स ऑफिस पर जो है काफी शानदार कमाई जो है अपने शुरुआती 7 दिनों के अंदर जो है कर ली है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जहां इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ लगभग 7वां दिन चल रहा है तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म जो है अपने शुरुआती 6 दिनों के अंदर लगभग जो है 68 करोड़ 30 लाख रुपए का जो है टोटल इंडियन नेट कलेक्शन जो है कर चुकी है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म जो अपने 7वें दिन भी तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख रुपए का जो है टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है और इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों का जो टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है लगभग 73 करोड़ 67 लाख रुपए का। और वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों का जो टोटल ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 86 करोड़ यानी कि 86 करोड़ रुपये का जो है हो रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड यहाँ पर ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 100 करोड़ रुपए का कर लेती है तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर से जो है यानी ये कहें कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर से जो है एक क्लीन हिट का टैग जो है हासिल कर लेगी। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन वो कितने रुपये का होगा और यह फिल्म जो है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर से जो है लाइफ टाइम के अंदर कितने रुपये की कमाई कर पाएगी हमें जो है अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको जो है मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रेकॉर्डिंग पार्ट 1 फिल्म कैसी लगी ये भी जो है मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।